हम लोग थोड़ी देर कल्पना शीलता को देखने का पहले अभ्यास करेंगे, फिर आगे का आगे चल रहा है। कल्पना शीलता के अभ्यास में वो जो मानसिक वो बातचीत को ये कह रहा कि हम अपनी कल्पना शीलता देख पा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो कल्पना शीलता देख रहे हैं उससे हम आराम से जा रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं। जिसको हम लोग कह रहे थे कि सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं, ये बात क्या था। फिर ये भी बात किया गया कि हमारी कल्पना शीलता हमको सही शिकार है या तो ये भी कहा था कि हम देखेंगे कि जो कल्पना शीलता हमको सही शिकार है उससे हम सुखी हो रहे हैं, और जो कल्पना शीलता हमको सही शिकार नहीं हो रही होती उससे दुखी हो रहे हैं। ये बात क्या सच्चा है। तो आज जब हम लोग अभ्यास करेंगे, आज जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो हम कल्पना शीलता को देखेंगे, और एक से अधिक बार तो लगभग एक से अधिक कल्पना शीलता को बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं। आप देखते हुए ये भी ध्यान देंगे कि हम उस कल्पना शीलता से दुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं, तो कल्पना शीलता आपको सह स्वीकार है या तो ये निष्कर्ष बताएंगे कि जो कल्पना शीलता सह स्वीकार है उसे सुखी हो रहे हैं, और जो कल्पना शीलता सह स्वीकार नहीं है उसे दुखी। लेकिन इसको माने के लिए अपने अगर देख के तब निष्कर्ष अपने आपसे में देख के निष्कर्ष पर आप भी अपने अगर ऐसा देख पाए कि जो कल्पना शीलता सह स्वीकार है वो हमको सुखी कर रही है, और जो कल्पना शीलता सह स्वीकार नहीं है वो हमको दुखी कर रही है। आप अपने अगर देख रहे तब निष्कर्ष पर तो आपका निष्कर्ष है, आपका कंक्लूजन होगा, आपका अपने में देखा है। तो मैं जो कह रहा हूँ मेरे लिए ठीक है, आपके लिए भी ठीक है कि नहीं, आप देख लेते हैं शुरू करें देखना। यस सर। एक दूसरे को थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जहाँ तक संभव हो बात खुला रखेंगे। दो से तीन मिनट हम कल्पना शीलता को देखने का अभ्यास करेंगे, तो उसके बाद सेल्फ अपने को बंद करके कल्पना शीलता को आपके बंद करके देखना चाहते हो, आपके बंद करके देखना खुल के आके देखना चाहते हो, पैर थोड़ा अपना हिला कर उसकी आवाज होती है तो लोगों की कल्पना शीलता को जहाँ संभव कुछ हाथ चलना पड़े ताकि लोग की कल्पना शीलता की गहराई में जा रहे हैं उनको पाना है। कल्पना शीलता देखते हो उसमें खो रहा है, जो देख रहे हैं उसमें सजगता बनाए रखना कि उसे सुखी हो रहा है उसको दुखी हो रहा है, वो आपको सहज शिकार है या नहीं। अगर इतना देख पाएंगे तो कल्पना शीलता का कुछ सार्थक समझते हो जिंदगी में पड़े उनको एक ऐसी फिल्म है जिसमें पूरी जिंदगी खो के आपको काट अच्छी बात है, लेकिन सजगता बनाए रखे सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं, तब तो कुछ सार्थक सहयोग आपकी शक्ति का करता है जो आगे
सीता पर चलती है, अगर किसी को कुछ कठिनाई हो रही हो देखने में तो अपने सांसों पर ध्यान देने थोड़े समय स्वतः ही कल्पना सीता के तरफ बाहर वाले पे तो हमारा आपका भाग नियंत्रण नहीं, भीतर वाले पे हो सकता है, जो साहस स्मृति वाला है हम उसको बढ़ा सकते हैं, जो साहस स्मृति वाला नहीं है उसको धीरे धीरे रोक सकते हैं और भीतर से सुखी हो सकते हैं, उत्साही हो सकते हैं। चुपका हमारे लिए वो स्रोत हो सकता है। ठीक है, आप जो मेरा नाम चाची प्रजापति है। मुझे कल्पना सीता ने लिखा कि लेंस की मैं जो ड्राइंग होगी तो मुझे लगा था कि मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगी, मतलब कि हम दोनों अच्छा नहीं बना पाएंगे, पर उसने अच्छा बनाया तो मुझे ये लेंस स्वीकार है। और मैं लेंस के बाद बाहर मतलब कि मेरी क्लास के हम चेक उधर खेलते थे तो एक पत्थर था तो उससे टकरा के गिर गई, तो मुझे लेंस स्वीकार नहीं।
Yes.